इंदौर शहर पूरे देश में जाना जाता है, पूरी दुनिया में जाना जाता है स्वच्छता के लिए। यहाँ की अपनी एक सभ्यता है, न्याय की नगरी, माँ अहिल्या की नगरी, जिन्होंने अपने बेटे को भी हाथियों के पैरों के नीचे चुनवा दिया था, ये कहानी और किस्से हम सुनते हैं। ऐसा शहर जिसने जब पानी की लड़ाई थी तो राजनीतिक दल और भावना लोग भूल गए थे, इस तरह की एकजुटता से पानी की, नर्मदा की लड़ाई लड़ी गई। जब स्वच्छता की बात आई तो पूरा इंदौर शहर एकजुट हुआ और दलगत भावना से ऊपर उठकर सबने, समाज के हर वर्ग ने और राजनीतिक हर दल ने इसमें अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई। जितना स्वच्छ शहर है हमारा, उतना ही राजनीतिक रूप से प्रदूषित शहर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने कल इंदौर शहर को किया है। पूरे देश में आज चर्चा है इस बात की कि लोकतंत्र की हत्या में इंदौर शहर अव्वल है। पहले हम सुनते थे कि बूथ कैप्चरिंग होती है, फिर भारतीय जनता पार्टी प्रचलन लेके आई कि विधायकों को दल बदल करवाना है, खरीद फरोख्त करना। ऐसे ही 17-17 सरकारें भी इसी दौरान गिरी, सर्वविदित हो गया, आम चलन हो गया कि लोगों ने दल बदलने लगे और उत्सव जैसा, राजनीतिक उत्सव जैसा भारतीय जनता पार्टी इसको मनाने लगी। पर अल्टीमेटली जो सवाल 75 साल की आजादी के बाद है कि लोकतंत्र खतरे में है, वोट की ताकत खतरे में है, मीडिया का फ्रीडम खतरे में है, संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, ये बहस क्यों चल रही है? क्यों सफाई देना पड़ रही है मोहन भागवत जी को, क्यों सफाई देनी पड़ रही है अमित शाह जी को कि हम इसके लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे? कल का घटना, जैसा मैंने कहा, कलंकित कर दिया है इंदौर शहर को, माँ अहिल्या की इस प्राचीन विरासत को। और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जिंदगी के, राजनीतिक जिंदगी के 67-68 के परिदृश्य में है वो, और सब पद मिले उनको, देश और प्रदेश में उनको बहुत नाम मिला, वो अब गर्व महसूस करते हैं इस तरीके के कृत्य कर करके जो छुट भैये नेता करते हैं। मैं मानता हूं कि ये इंदौर शहर की जनता को जागना चाहिए और इंदौर शहर के बुद्धिजीवियों को कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि जागना चाहिए। मैं खासकर मैं अपील करता हूं आप लोगों से, खासकर जर्नलिज्म से, पत्रकारों से, कि जरूर मैं मानता हूं कि बहुत बंदिशें हैं, बहुत आपके अपने व्यक्तिगत संबंध भी रहते हैं, सरकार का सहयोग भी रहता है, पर इसके बाद भी इंदौर की जो जर्नलिज्म है उसने हमेशा जब जब भी अति हुई है, अति का की पराकाष्ठा हुई है, तब आप लोगों ने सबको राह दिखाई। मैं इतना ही अनुरोध करता हूं कि कल की जो घटना घटी उसमें आपके सवाल हो सकते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, बिक गया क्या, खरीद लिया गया क्या, दबाव आया क्या, कोई राजनीतिक प्रेशर था क्या, कोई संस्थागत प्रेशर था क्या, क्या उनके शिक्षा संस्थानों की कोई बात हो गई होगी क्या, क्या चूक हो गई, कैसे आपने चयन कर लिया, सवाल है आपके मन में। पर ये सवाल महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है इस शहर के लोकतंत्र का कलंकित होना। क्या इंदौर शहर की जनता, जब बीजेपी को पता रहता है कि अभी हम नगर निगम में इतने भारी बहुमत से जीते, हम 5-8 हम विधायक हारे इंदौर शहर की लोकसभा के, बड़े मार्जिन से हारे, इंदौर जनता ने उनको स्वीकार किया, उनको समर्थन दिया, हमने भी उसको आत्मसात किया, हमने कोई हल्का और छोटा वर्डिंग नहीं दी कभी। इंदौर शहर ने जो जनादेश दिया उसको सर माथे पे लिया, जिताया तो भी लिया, हराया तो भी लिया। पर यह परिस्थिति कि हम किसी को चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे, या ये परिस्थिति कि हम ताकतवर है, हमारे पास सत्ता है, हमारे पास आर्थिक बल है, तो हम किसी को कुछ नहीं समझेंगे, क्या इंदौर शहर की जनता को अब, मतलब इसका असर आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे, आपके भविष्य पे होगा कि नहीं होगा? हमारा अपना शहर है भाई, हो सकता है हम में कमी हो सकता है हम कमजोर हो सकता है कि अभी कांग्रेस का संगठन उतना ताकतवर नहीं है, ये सब बात हो सकती है। मैं इसको नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, न इसको कहीं इसके अपना मुंह छुपा रहा,
इंदौर शहर के परिवारजन ये नहीं सोचेंगे कि इस तरह की हठधर्मिता क्या राजनीतिक माफिया को तो नहीं पनपा रही है। जहां राजनीतिक माफिया है वहां कैसी हालत है, ये आप लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। तो मेरा बस इतना ही अनुरोध है कि इंदौर शहर को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीर है। नगर निगम में अखबार छापते हैं रोज, सही कही कि 100 करोड़ तक पहुंच गया घोटाला। क्या घोटाला है कि काम ही नहीं किया, बिल निकाल लिए और पैसे ले लिए 100 करोड़। मतलब ये जो नगर निगम कई करोड़ों रुपए के कर्जे में, जिसकी तनख्वाहें नहीं दी जाती है, उसमें 100 करोड़ रुपए का एक ऐसा 100 से भी ज्यादा जाएगा। और हम सर्विधि से देखते रहते हैं, बिना कमीशन से नगर निगम में कोई काम होता है क्या? कोई पार्षद ऐसा है या कोई व्यवस्था अधिकारी ऐसा है या कोई भी बीजेपी का नेता ऐसा है जो बिना कमीशन पीसी लिए नगर निगम में काम करता है? और कैसा बन गया हमारा शहर? मतलब मेरे पे चार, मेरी कमियों पे गिनाने के लिए 10 सवाल है, पर मेरा अपना शहर है इसलिए मेरी कमजोरी भी है, पर शहर इससे अच्छा हो रहा है। तो फिर आप सबका सहयोग चाहिए या नहीं चाहिए? इंदौर शहर का सहयोग चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ के बुद्धिजीवियों का सहयोग चाहिए या नहीं चाहिए? तो कांग्रेस पार्टी ने कल की पूरी घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। हम अपना दायित्व समझते हैं और उस दायित्व में बीजेपी को सबक सिखाना चाहिए। अब ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं, ये लड़ाई इंदौर और भारतीय जनता पार्टी की, ये लड़ाई बीजेपी के अहंकार की और इस इंदौर की सभ्यता की, संस्कार की, माँ अहिल्या के संस्कार की। मैं अनुरोध करता हूँ, कांग्रेस तो चुनाव ही नहीं लड़ रही है, हमारा तो फॉर्म निकल गया, पंजा है ही नहीं उसमें, पर हम इंदौर के तो हैं, इस शहर के हैं, इसकी आत्मा के हैं। जो पार्टी जनसंघ के जमाने से शुचिता की बात करती थी, अलग तरह के एथिक की बात करती थी, अलग तरह के अलग अलग प्रकार के कई व्यवस्थाओं की बात करती थी कि हमसे अच्छा कोई नहीं, हम पार्टी ऑफ डिफरेंस की बात करती थी, क्या हुआ, क्या हुआ इस पूरी परिस्थिति का भैया? तो मैं अनुरोध करता हूं, मेरा आप सबसे भी करबद्ध निवेदन है, क्योंकि आप ही एक ऐसी व्यवस्था हो जिससे हम अपनी बात अच्छे से पहुंचा सकते हैं, एक बहुत बड़ा आयाम हो आपको। मीडिया से हम आग्रह करते हैं, ये बात अब घर घर जानी चाहिए कि इंदौर की अस्मिता कैसे बचेगी, राजनीतिक अस्मिता। जो लोगों के पास ताकत है वो रावण जैसे हैं, अहंकार उनका सर चढ़ के बोलता है और दिखता भी है, बोलता ही नहीं है, दिखता भी है, बातों में दिखता है, भावों में दिखता है। आप भी मिलते हो तो दिखता है, आप उनसे मिलते हो तो चूंकि वो ताकतवर है तो मुस्कुरा के मिलते हो, पर अल्टीमेटली वो आपको किस तरीके का व्यवहार होता है वो देखते होंगे आप लोग, हम भी महसूस करते हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को सबक सिखाना चाहिए। बीजेपी को सबक सिखाने के कई ऑप्शन हैं, एक है कि इंदौर शहर तय करे कि बीजेपी को किस तरीके से, हम ये भी नहीं कहेंगे कि बहिष्कार करो चुनाव का, ये हमारी लाइन नहीं हो सकती, हम लोकतांत्रिक लोग हैं, पर ये जरूर है कि नोटा का ऑप्शन है शहर में। ये किसी को हराने जिताने की लड़ाई नहीं है, ये इस कृत्य को अगर क्रिटिसिज्म करनी है तो फिर हम सबको देखना पड़ेगा कि इतने निर्दलीय है। एक 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 व्यक्ति जिसने सेना में था, रिटायर्ड हुआ, पूरी रात 10 बजे तक बैठा रहा, वो कहता है भैया मेरे पास मीडिया नहीं आई, थोड़ी देर आई और चली गई, मुझे फोन किया, मैं गलत नहीं हूं। मतलब कोई मैं आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं, पर ये कितनी बड़ी घटना थी कि एक आदमी कहता मैंने फार्म नहीं निकाला, मेरा फार्म साजिश से निकाल दिया। ये छोटा मोटा केस तो नहीं था, वो बैठा रहा उसकी पत्नी को लेकर। फिर एक लड़के ने वो दिया, कई लोगों ने मुझे कहा कि हमें दबाया गया, किन 5 जो प्रत्याशी थे उनको मेरे घर रखा मैंने। जब इस बीच में पता लगा तो कि ये फार्म निरस्त हो गया, तो मैं नेचुरल है, स्वाभाविक है, एक राजनीतिक दल जो बचा है उस ऑप्शन को कैसे बचाएं उस पर काम करेगा। तो हमने 4-5 जने को कहीं ने रीना ने एक को रखा, एक को मैं, अपने घर पे 2 लोगों को मैंने बिठा के रखा और लोगों को ढूंढ रहे थे, जैसे जो हैवानियत होती है उनको ढूंढने के लिए पूरी बीजेपी निकल गई, कौन कहा है पकड़ो, इसको लाओ, उसके समर्थक को लाओ, नकली असली सही कराओ, कलेक्टर को बुलाओ। कलेक्टर कहता है वो बैठ गया, 4 बजे बाद भी घटनाएं घटती रही, 3 बजे बाद भी। मतलब ये हो क्या रहा है? सरपंच के साथ नहीं होता है, पार्षद के साथ नहीं होता है, ऐसा सांसद के साथ कर दिया हमारे शहर में, हमारी सबसे ताकतवर जिसको जनता ने वोट दिया उस पार्टी ने, और सबसे बड़ा नेता देश का, हम कहते हैं कि इंदौर शहर का, जिसका नाम हुआ भी रिसेंट में कैलाश विजयवर्गीय ने, ये हो क्या रहा है?
और आप और हम बोलेंगे नहीं तो फिर कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, ये सवाल है आज। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इंदौर को इस बात के लिए आह्वान भी करती है, प्रार्थना भी करती है कि आप लोग इस पर निर्णय लो कि इनको सबक सिखाना चाहिए क्या, और सबक सिखाने के कितने तरीके हो सकते हैं, उसमें जो तरीका उपयुक्त है वो तरीका मानना चाहिए। हम किसी को समर्थन नहीं देंगे, कांग्रेस पार्टी किसी को समर्थन नहीं देगी। ये जरूर है कि इनको सबक सिखाएंगे तो उसका रास्ता ढूंढेगी, बताएंगे हम कि ये रास्ता इंदौर का रास्ता नहीं है, मेरे शहर का रास्ता नहीं, माँ अहिल्या का रास्ता नहीं, उसके लिए हम कुछ काम करेंगे। पर जो घटना घटी, जैसा मैंने कहा कि मैं आज प्रत्याशी को कह दूं ये बिक गया, जो गया उसको चार उसके लिए बुराई कर दूं, सवाल उसकी बुराई या भलाई का नहीं है, सवाल मेरे इंदौर की अस्मिता का है। जो लोग चले गए, स्वतंत्र है इस व्यवस्था में कि कोई राजनीति दल अपना व्यक्ति बदल सकता है, हो सकता है उसको संभावना उधर ज़्यादा दिखती हो, ये समय क्या है, जिनमें जिगर है, जिसको लोकतंत्र को जिंदा रखना है, जिसको दूसरी पटरी पर लेके आँख में आँख मिला के लड़ना है, वही कांग्रेस में रहे। जो व्यवस्था को देखता है या व्यवस्था के पास जाना चाहता है, सत्ता को भोगना चाहता है, तो वो सत्ता के पास जाएगा। अब इसमें क्रिटिसिज्म हो सकता है कि आपके पास लोग नहीं रुक रहे हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो कमी हमारी हो सकती है, मैं उसको भी किसी भी प्रकार से नजरअंदाज नहीं करूंगा या मना नहीं करूंगा, पर मेरा इंदौर, मैं आह्वान करता हूं मेरे इंदौर को बचाओ आप सब मिलकर, मेरी जनता को आप सब मिलकर बचाओ, इस लोकतंत्र को बचाओ। धन्यवाद। उन्होंने कहा कि इंदौर ऐसा शहर नहीं है जैसा हुआ है। उन्होंने कहा सुमित्रा महाजन वहीं से सांसद थी ना, वो तो बहुत शुचिता की बात करती थी, बहुत सभ्यता की बात करती थी, वहाँ इस तरीके का गिरफ्त कर दिया बीजेपी ने, ये कैसे संभव है, वो कहाँ थी, वो अभी क्या चलती फिरती। उन्होंने पूछा ये बात मुझसे कि सुमित्रा महाजन इतनी सभ्य, जिनको इतनी बार सांसद बनाया, क्या वो भी इस पूरे कृत्य में हिस्सेदार थी क्या, उन्होंने पूछा मुझसे ये बात। आपने कहा आप समर्थन नहीं देंगे किसी को, लेकिन आपका अगला कदम क्या होगा, जनता देखना चाहती है। हम इसका विरोध करेंगे, इस व्यवस्था का विरोध करेंगे। हम अभी पार्टी कार्यक्रम बना रही है, हम रैलियां निकालेंगे वार्ड वाइज, हम रैली एक बड़ी भी निकालेंगे, इंदौर के आम नागरिक से आप लोगों से भी आह्वान करेंगे। ये कांग्रेस का कार्यक्रम ही नहीं है, चूंकि हम सजग विपक्ष के लोग हैं, पर ये इंदौर शहर का कार्यक्रम है। अब जो भी होगा, हो सकता है कि कौन लीड करे कौन नहीं करे, पर इंदौर को जागना पड़ेगा। अगर नहीं जागोगे तो हो सकता है कि आज हम शर्मिंदा है कि हमारा प्रत्याशी चला गया, उसके लिए दुख भी है, और सच में रात भर नींद नहीं आई। पर अगर यही चलता रहा, छोटी और ओछी बात के लिए मेरे पास, मैं समझता हूं मैं बोल नहीं सकता हूं, पर यही चलता रहा तो एक दिन आप भी, मतलब आज हम पे प्रहार है कल आप पे होगा ही होगा, बच नहीं सकते हो आप।